क्या हाल है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आज मैं कुछ न्यू टॉपिक के सामने गया हूँ, और वो न्यू टॉपिक ये है कि आज हम कंप्यूटर साइंस के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? वो है मूरेज़ लॉ। मूरेज़ लॉ क्या है? व्हाट, ये कहाँ से है? तो मूरेज़ लॉ है वो एक लॉ जो मूरे साइंसदान था, एक और फिजिशियन फिजिस्ट था, वो एक फिजिस्ट था केमिस्ट था। उसने क्या किया था? उसने एक प्रिडिक्शन दी थी। वो क्या थी प्रिडिक्शन? ये थी कि वो कंप्यूटर्स के बारे में थी। प्रिडिक्शन ये थी कि जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उनमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। तो उसका प्रिडिक्शन ये था कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये हर 2 साल के बाद इनकी जो तादाद है वो डबल हो जाएगी। तो 1965 में इसने ये प्रिडिक्शन दी थी, और वो प्रिडिक्शन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो सच भी साबित हुई। कई साल गुजर गए, कई दहाइयाँ गुजर गई, कई डिकेड्स गुजर गए, तो उसकी वो जो प्रिडिक्शन थी वो सच साबित होती गई। 2009 से 2013 तक वो जो इसकी फेयरली जो प्रिडिक्शन थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से साबित हुई। लेकिन 2013 के बाद क्या हुआ? जो 2013 में कंप्यूटर्स की एफिशिएंसी देखी गई तो उनमें ट्रांजिस्टर्स की तादाद 2 साल के बाद तब्दील नहीं हो रही थी। देखें तो मूरे का जो प्रिडिक्शन था वो कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है। 2013 में जो प्रिडिक्शन को चेक किया गया तो देखा गया कि ट्रांजिस्टर्स तो हर तीसरे साल में तब्दील हो रहे हैं और इनकी एफिशिएंसी भी तब्दील होती हो रही है। तो जो मूरे का लॉ है वो 2013 तक तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब 2013 के बाद देखा जाए तो उसकी थोड़ी सी प्रिडिक्शन की फॉर्म वीक होने लगी है। तो उसको अगर हम देखें कि मूरे का लॉ जो है तो कहीं ना कहीं वो सही साबित भी हुआ है। अगर हम देखें ना, एक पेपर है, एक अखबार है जो जैसे न्यूज़ पेपर है, मैं उसको फोल्ड करता जाऊँ वो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना। मैं मज़ीद उसको डबल करता जाऊँ फोल्ड करता जाऊँ तो कहीं ना कहीं तो वो उसकी जो मिकदार होगी वो एंड होगी। मैं उसको फोल्ड करता जाऊँ, उसकी आखिरी फॉर्म तक चला जाऊँ, उसको मैं मुंह से भी इससे फोल्ड करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकूँगा। तो ट्रांजिस्टर्स का भी मिसाल ऐसे ही आप ले सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स दिन ब दिन उनकी तादाद तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वो जो शक्ल दे रहे हैं किसी चीज़ को वो कहीं ना कहीं उसकी जो माइनर शक्ल है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। तो मूरे का लॉ है, लेकिन उसको अभी भी देखा जा रहा है कि मूरे का लॉ कहीं सही साबित भी हो सकता है। वेल, चलते हैं अपने मूरे के लॉ की तरफ। तो मूरेज़ लॉ इसी को कहते हैं जिसमें मूरे की प्रिडिक्शन थी कि ट्रांजिस्टर की तादाद हर दूसरे साल डबल होती जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं सही भी है। तो देखते हैं आगे तक कब तक इस मूरे का जो लॉ है कब तक ये चलता है। लेकिन जो अभी प्रिडिक्शन सामने आई हैं तो उससे तो ये लगता है कि ये मूरे का जो लॉ है वो कहीं ना कहीं डाई सिचुएशन में चला गया है, या फिर ये अभी डाई नहीं हुआ, ये इवेंचुअली इट विल बी डाई। वेल, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मूरे लॉ के साथ। मूरे लॉ के तहत साइंस में सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें मुझे ये टॉपिक मिला। मूरेज़ लॉ मैंने पढ़ा था और कहीं ना कहीं मुझे ये अच्छा लगा कि मैं आज आप दोस्तों के साथ ये शेयर करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I will make more videos on other topics. Thank you. Subscribe my channel, like this video and share to your friends. Allah Hafiz.